हेलो रॉयल फैमिली, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल व्हील्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो लाया हूँ रिगार्डिंग व्हाट हैपेंस टू योर इंजन इफ़ यू ड्राइव योर स्कूटर और योर मोटरसाइकिल्स इंजन एक्सीडिंग द किलोमीटर रेंज प्रोवाइडेड बाई द पर्टिकुलर इंजन ऑल यू यूज़। तो कुछ दिनों से मैंने अपने एक्टिवा 3G पे एक टेस्टिंग किया। दिस इज़ द BS3 मॉडल एक्टिवा 3G। तो इस पर मैंने एक टेस्ट किया कि अगर मैं इसके इंजन ऑयल को जो लिमिट दिया हुआ 2500 किलोमीटर उसके एक्सीड करके अगर मैं ड्राइव करूं तो इंजन में ऐसा क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो यह मेरा एक्टिवा का एक किलोमीटर मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं इसका किलोमीटर है 4318 किलोमीटर्स। तो जब मैंने इस इंजन ऑयल को चेंज किया था मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया था। आप यहाँ पर, आपको यहाँ पर अभी इस साइड में आपको आई बटन पे आएगा, जब मैंने इस पर माइलेज टेस्ट किया था तो उस टाइम इसका जो किलोमीटर ड्रिवन था वो था 400 किलोमीटर्स। तो मैंने इसका स्पीडोमीटर यूनिट को भी चेंज किया था, अगर आपको उस पर भी एक वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करिएगा। तो तब 400 किलोमीटर्स था। तो रिसेंटली मैंने इसका न्यू इंजन ऑयल भी ऑर्डर किया है। तो उस पर्टिकुलर इंजन ऑयल को मैंने जब ऑर्डर किया तो मेरे को लगा अगर बाय चांस कभी किसी वजह से अगर आपको इंजन ऑयल आने में लेट होगा, लाइक मैं तो मोतुल का इंजन ऑयल यूज़ करता हूँ तो मेरे को इंजन ऑयल आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो आपको ऐसा क्या क्या इश्यूज़ हो सकता है अगर आपको भी ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़े जहाँ पर आपका इंजन ऑयल जो आ रहा है वो लेट से डिलीवर हो। तो इस पर इसलिए मैंने टेस्ट किया। डिस्क्लेमर ये है कि आपको ये टेस्टिंग रिकमेंडेड नहीं है, यह आप हम यूट्यूबर्स पर छोड़ दीजिए। अगर आप रिस्क लेना चाहें तो आप रिस्क ले सकते हैं, बट दैट विल बी ओवर ओन पर्सनल डिसीजन। यहाँ पर आपको मैं डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ कि आप किसी वजह से अगर आपके इंजन में कोई इश्यूज हो तो आई एम नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट काइंड ऑफ इशू। मैंने जस्ट एक टेस्टिंग पर्पज के लिए ये रिस्क लिया है, तो अगर आप चाहें ले सकते हैं, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू डू दिस टू योर ओन पर्सनल स्कूटर और योर मोटरसाइकिल। तो चलिए एक ड्राइव पे जाते हैं, देखते हैं क्या क्या इंजन में डिफरेंस आया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए राइट पे चलते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल रॉयल व्हील्स को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं ऐसा कोई ऑटोमोटिव कंटेंट अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फर्स्ट जो इशू मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा जो मेरे को मिला था वो मिला था थोड़ा स्टार्टिंग इशू में। लाइक मेरा तो इसका थोड़ा बैटरी डाउन हो गया है, बट मैं किक से स्टार्ट करता था तो जब नया इंजन ऑयल डलवाता था तब इजीली स्टार्ट हो जाता था, पर इसका अभी देखिए थोड़ा इशू कर रहा है। अच्छा, अभी ले लिया था, अभी स्टार्ट नहीं ले रहा था। तो चलिए राइड को स्टार्ट करते हैं एंड इंजन चेंज करवाने चलते हैं। तो रोड पे भी बाकी जो इश्यूज मेरे को फेस हुआ इस पीरियड ऑफ टाइम में वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। फर्स्ट मेन चीज जो मेरे को डिफरेंस आया था वो आया था फ्यूल इकोनॉमी में। लाइक इससे मैं अराउंड 58 टू 60 KMPL का माइलेज आराम से निकाल पा रहा था। आई विल से 55 to 60 उतने में ये आराम से दे रहा था। रिगार्डिंग डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल आई यूजली प्रेफर, लाइक मैं थोड़ा सा रफ तो हमेशा थोड़ा गाड़ी चला था, पर कभी कभार अगर मैं नॉर्मल ड्राइव किया तो वहाँ पर मेरे को अराउंड 60 KMPL का माइलेज निकाल दे रहा था ये गाड़ी, बट थोड़ा सा रफ चलाने पे 50-55 पे बीच में मिल रहा था। सेकेंड जो डिफरेंस मेरे को लगा वो थोड़ा सा माइनर में बोलूंगा डिफरेंस था, वो तो इंजन स्मूथनेस में। लाइक गाड़ी जब मैं एक्सेलरेट कर रहा था तब थोड़ा सा जो वाइब्रेशन लेवल है या फिर जब गाड़ी आइडलिंग कर रहा है तब वो जो उस पीरियड ऑफ टाइम में गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा था। थर्डली जो मेरे को एक और इशू आया वो आया था स्टार्टिंग में। लाइक जब मैं मॉर्निंग कोल्ड स्टार्ट कर रहा था तो गाड़ी में कभी कभी इश्यूज आता था, कभी कभी नहीं भी आता था। तो स्टार्ट जब मैं स्टार्ट कर रहा था इंजन तो थोड़ा सा लाइक मेरा तो थोड़ा कभी कभी बैटरी लो भी हो जाता है तो किक मारना पड़ता है, तो 5 या 6 क्रैंक के बाद मेरा इंजन स्टार्ट लेता था, और अगर सेल्फ पे भी लूँ तो 2 या 3 क्रैंक लग जाता था इंजन को स्टार्ट करने में। तो वो तो बेसिकली हुआ था थोड़ा सा टेम्परेचर जब कम रहता है, लाइक इसके लिए जब कुछ दिनों से बारिश हो रहा है तो उस वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर जब कम रहता था रात में हल्का सा डिफरेंस माइनर डिफरेंस आया था स्टार्टिंग में।
बट हाँ इन यूजली सिंगल क्रैंक पे इंजन स्टार्ट हो जाता, कोई मेजर कोई इशू नहीं आता था। फिर अगर कोई मेरे को बहुत ज़्यादा इशू आया वो था परफॉर्मेंस पे, लाइक दिस एक्सेलरेशन, लाइक दिस थिंग इज पुलिंग एंड पुलिंग, बट इन जनरली एक्टिव हुआ इंजन, मेरे को पर्सनली लगा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हाई एक्सेलरेटिंग इंजन है, तो उसमें हल्का थ्रॉटल देने पे द गाड़ी विल लाइक बूम, इट विल जस्ट गो एंड गो, वो चीज़ मेरे को फील नहीं होता था। थोड़ा सा ये जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स था वो थोड़ा सा आई विल से बूडी, थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिव फील होता था, थोड़ा यहाँ पर स्ट्रेच मिल जाए मिल गया तो थोड़ा सा थकाते हैं। परफॉर्मेंस से देख सकते हैं कि अगर आप अपने इंजन ऑयल को रिकमेंडेड किलोमीटर से अगर ज़्यादा ड्राइव करें तो बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज नहीं आते हैं। कुछ बेसिक नॉर्मल इश्यूज आते हैं, वो तो नॉर्मली इंजन ऑयल के रेंज एक्सीड होने के बाद भी नॉर्मली आता है, लाइक थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, हल्का स्टार्टिंग इश्यूज आना, फ्यूल इकोनॉमी में भी डिफरेंस पड़ जाता है। बट इन केस, इन माई केस मेरे को ओनली 10 KMPL का डिफरेंस आता है। 10 KMPL मैटर करता है, अगर आपके स्टेट में भी लाइक हम लोग दुर्गापुर सिटी में 106.89 KMPL अभी चल रहा है, तो हाँ अगर आप इकोनॉमिकली देखें तो इट रियली मैटर्स, बट इन जनरल अगर परफॉर्मेंस वाइज देखूँ तो 10 KMPL डिफरेंस बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी 2000 किलोमीटर प्लस चला रहे हैं। हाँ एक और जो इशू मेरे को फील हुआ था वो था रिगार्डिंग हीटिंग इशू, थोड़ा सा इंजन में आता है, और ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करूँगा कि अगर आप भी ऐसा कुछ एक गलती से अगर आप करते हैं मेरे तरह, आप टेस्ट में रिकमेंड कर, फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस एट होम, इट इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। अगर आप ये टेस्ट करें इट आई विल नॉट रिकमेंड इट टू यू, ये हम यूट्यूबर्स पे छोड़ दीजिए, हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को बस एंजॉय कीजिए, बट वी डू नॉट रिकमेंड टू डू दिस काइंड ऑफ टेस्ट। तो हाँ बहुत ज़्यादा मेजर मैं बोलूँगा मेजर हीटिंग इश्यूज आता था, लाइक जब मैं गैराज में पार्क करता था गाड़ी, मेरा ओवरऑल एक देखिए एक एक्सपीरियंस हो जाता है ना कि हाँ इतना इंजन ऑयल, इतना गाड़ी चलाने पे, इतना रफ चले पे, इतना हीट, मेरा गाड़ी जब मैं रफ चला भी नहीं रहा तब भी ओवर हीट, लाइक बहुत ज़्यादा गर्म हवा आता था। ऑल्सो दीज आर ऑल रियर इंजन स्कूटर्स, तो पीछे में तो उतना एयर कूलिंग का उतना भी स्पेस है, बस स्टिल दिस इज अ फैन कूल्ड इंजन, फिर मेरा गाड़ी उतना कभी भी हीट नहीं होता था जितना यूजुअली हो रहा था। चलिए हम लोग शॉप पे आ गए हैं तो आप इंजन ऑयल को चेंज करते हैं। इंजन ऑयल चेंज हो गए। আপনি এখন রেকর্ডিং করছেন। আসলে এটা ইঞ্জিন অয়েলের উপরে ভিডিও বানাচ্ছিলাম। হ্যাঁ
ना ना यूट्यूब में हमारा चैनल अच्छे। सो गाइस इंजन ऑयल चेंज करवा लिया मैंने एंड फर्स्ट इम्प्रेशन अगर मैं बताऊं जो भी वाइब्रेशन इश्यूज आ रहा था वो टोटली चला गया, आई मीन टोटली चला गया है। एंड पिकअप भी इंक्रीज हो गया है, गाड़ी देखी देखी मतलब स्मूथ पिकअप एंड इंस्टेंट पिकअप। सो You have seen the pros and cons of not changing your engine oil on time. So, अगर in general बताऊं, they are not huge cons. Like ये जो बंदा engine oil change कर रहा था, उसको मैंने ऐसे question के लिए पूछा कि आपको कितना लगता है कि engine oil कितना हजार किलोमीटर चला है? So he does the engine oil and उसने बोला कि यही around 2500-2800 किलोमीटर चला होगा। और जब मैंने उससे एक्चुअल फिगर्स बोला तो वो बोला कि पॉसिबल कैसे है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस पड़ता है, इवन इट इज़ नॉट एट रिकमेंडेड, बट अगर आप मेरा राय चाहे कि बहुत ज़्यादा इश्यू हो जाता है, मेजर डिफरेंस हो जाता है, तो इतना भी नहीं होता है। देखिए अगर आप कोई चीज़ भी ओवर चला, लाइक अगर हम टायर कोई ले लें, उसका रेंज, उसका जो किलोमीटर रेंज रहता है वो है 30-40,000 किलोमीटर। अगर आप उसका एक्सीड, उसको बाहर उसके एक्सीड करके अगर आप ड्राइव करें तो लाइक वॉबलिंग इश्यूज आते हैं, थोड़ा सा एयर प्रेशर में इशू आता है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्या आता है? आंसर इज नो। तो सिमिलरली इंजन ऑयल में उतना ज़्यादा डिफरेंस मेरे को महसूस तो हुआ नहीं है, बट अगर आप लोग कमेंट करें एंड इस वीडियो को भर भर के लाइक दें, प्यार दें, एंड चैनल पे अगर 500 सब्सक्राइबर्स हो गया, आई विल डू अ 5000 किलोमीटर टेस्ट ऑन माई स्कूटर and I will give you a detailed review what actually happens. So that's about the video guys. Hope you like the video. Do like, share, subscribe to my channel. अगर आपने इतना तक वीडियो को देख लिया है तो this video deserves a like. मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल ऑयल विज को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ऑटोमेटिक कंटेंट आपके लिए रेगुलर लाता रहूँ। ऐसे ही प्यार को बरकरार रखिए एंड डू सपोर्ट रॉयल विज। पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। ऑल्सो वीडियो में गाइस मैं एक और चीज़ आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूँगा, लाइक वाई यू शुड परचेस अ गुड इंजन ऑयल। देखिए मार्केट में बहुत सारे इंजन ऑयल कंपनीज है, मैंने भी बहुत सारे इंजन ऑयल्स को यूज़ किया अपने इंजन में। मैं उन इंजन ऑयल्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट या दो इंजन ऑयल्स रियली यूज टू हार्म माई इंजन। बट जब से मैंने मोतुल में शिफ्ट किया है, लाइक इतना मेजर डिफरेंस आ गया इंजन में, स्टिल आई हैव ओवर ड्रिवन द इंजन ऑयल। I will say I overdriven the engine on that particular engine oil. मतलब जो जैसे इंजन ऑयल चेंज हुआ, ऑल द इश्यूज वर जस्ट गॉन, लाइक नो वाइब्रेशन इशू। लाइक सी गाड़ी अभी चल रहा है, थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था, लाइक आई एम जस्ट स्टॉपिंग द इंजन नाउ। पुराने इंजनों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा था, अगर आप नोटिस किएंगे, लाइक सी नाउ आई विल फुल्ली गिव द थ्रॉटल। See the pull. No time, within no time 40 and no vibrations at all. This is the reasons why you should always purchase a good quality of engine oil. Like Priya, price matters, sab kuch matter karta hai, but cost always gives a good thing, doesn't matter. So hope aapko ye video pasand aaya hoga. Mere channel Oil Wheels ko jarur se subscribe kar taki aapko aise content regular mil paye.